दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी मन्नू में। दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्की बाबा की फिल्म गोल्ड बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड्स बना रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने शुरुआती चार दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 56.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। दोस्तों गोल्ड ने पहले दिन 25.25 करोड़ से ओपनिंग की थी, दूसरे दिन 8 करोड़, तीसरे दिन 10.5 करोड़ और शनिवार को यानी कि चौथे दिन 12.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। दोस्तों अक्षय कुमार की इस फिल्म को लंबे वीकेंड का बहुत फायदा मिला है। उम्मीद जताई जा रही है कि रिलीज के पांचवें दिन यानी कि संडे को भी फिल्म बेहतरीन कमाई करेगी। दोस्तों अक्षय कुमार की गोल्ड के साथ में 15 अगस्त को जॉन अब्राहम की एक्शन पैक्ड मूवी सत्यमेव जयते भी रिलीज हुई थी और दोस्तों ये फिल्म जॉन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी है। लेकिन गोल्ड के मुकाबले सत्यमेव जयते को थोड़े कम दर्शक मिले, बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए हुए है। दोस्तों इस फिल्म ने पहले दिन 20.52 करोड़ से ओपनिंग की थी, गुरुवार को फिल्म ने 7.92 करोड़ का कलेक्शन किया, शुक्रवार को फिल्म ने 9.18 करोड़ का कलेक्शन किया और शनिवार को फिल्म ने 9.03 करोड़ का कलेक्शन किया। ऐसे में देखें तो पूरी फिल्म का शनिवार तक का टोटल कलेक्शन होता है 46.65 करोड़। दोस्तों बता दें कि अक्षय कुमार की गोल को साल 2018 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है, जबकि सत्यमेव जयते को पांचवी सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। बागी 2 को पछाड़ के गोल्ड ने लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर कब्जा किया है। दोस्तों गोल्ड में अक्षय कुमार ने एक बंगाली तपन दास का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसका सपना है कि आजाद भारत की हॉकी टीम अंग्रेजों के देश में अंग्रेजों की टीम को हराकर गोल्ड जीत कर लाए, जिसके लिए वो क्या क्या संघर्ष करता है ये फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म से दोस्तों टीवी की नागिन यानी कि मौनी रॉय भी डेब्यू कर रही है। अब दोस्तों फिल्म में अक्षय कुमार ना तो हॉकी के खिलाड़ी हैं ना टीम के कोच हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिल्म कमाल कर रही है। सोचिए अगर अक्षय खुद खिलाड़ी का रोल प्ले कर रहे होते तो ये फिल्म कितना बड़ा धमाका करती। खैर अक्षय के अलावा फिल्म में कुणाल कपूर, अमित साध, विनीत कुमार सिंह और विक्की कौशल के छोटे भाई सनी कौशल भी हैं। खैर दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि ये कितने दिनों में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।